तक महादेव की भक्ति से अर्जित पुण्य तुम्हारे पापों का प्रभाव क्षीण करते रहे, परंतु मुझे 11 मास तक बंदी बना रखने के महापाप से तुम्हारे समस्त पुण्य समाप्त हो गए। यहाँ गिरे मेरे प्रत्येक अश्रु ने तुम्हारे विनाश की नींव को और सुदृढ़ बनाया है। तुम्हारी कुबुद्धि, तुम्हारा अहंकार आज तुम्हें तुम्हारे सर्वनाश से साक्षात्कार करवाने जा रहा है। मेरा नहीं, उस वनवासी का होगा सर्वनाश, जिसके संहार के लिए महादेव और ब्रह्मदेव के वरदानों के अतिरिक्त उस महाविनाशक शक्ति को जागृत कर अपना साथ देने के लिए विवश कर दूंगा। वो महाविनाशक शक्ति उन त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की शक्तियों से मेरा रक्षण करेगी। जिस प्रकार 11 मास तक तुम अपने उस वनवासी की प्रतीक्षा करते रहे, ठीक उसी प्रकार अब मेरी विजय की प्रतीक्षा करो। उस समय मैंने तुम्हारा हरण किया था, अब मैं तुम्हारा वरण करूंगा। स्वयं अपनी मृत्यु को निमंत्रण दे रहे हो तुम मूर्ख। अब तुम्हें मेरे विरुद्ध कुछ कहने या मेरे अपमान और तिरस्कार सहने का अवसर भी नहीं प्राप्त होगा। जाओ, जैसे कोई स्वयं अपने काल की आहट सुनकर स्वयं ज्वालामुखी के मुख में प्रवेश कर जाए, जैसे कोई वन्य जीव सिंह का आखेट बनने के लिए उसके समक्ष प्रस्तुत हो जाए, उसी समान रणभूमि में तुम मेरे स्वामी श्री राम से अपने संहार के लिए जा रहे हो। शीघ्र ही तुम अपना खंडित शीश देखोगे। उसी समान रणभूमि में तुम मेरे स्वामी श्री राम से अपने संहार के लिए जा रहे हो। प्रभु, आप धर्म को अग्रता देकर मेरे उस अधर्मी भ्राता को एक और अवसर तो प्रदान कर रहे हैं, परंतु मुझे भय है कि वो शोक मनाने के स्थान पर कोई और घोर निकृष्ट यत्न तो नहीं करने वाला। यदि सबकी मान्यताओं के आधार पर मैं ये स्वीकार कर भी लूं कि वो हनुमान शिवांश है, पर वो तो छनर नारायण का अवतार है, तब भी उनसे टकराने के लिए एक अमोघ दैवीय शक्ति होगी मेरे पास, जो सदैव मेरी रक्षा करेगी। मैं माता तारा देवी को प्रसन्न करूंगा, उनकी निश्चित पूजा करूंगा मैं। निश्चित पूजा और वैदिक मंत्रों के निरंतर जाप से मैं माता तारा देवी को दर्शन देने के लिए विवश कर दूंगा, उन्हें अपनी रक्षा के लिए बाध्य करूंगा मैं। फिर देखते हैं कि वो हनुमान और वो तुच्छ नर किस प्रकार युद्ध करते हैं मुझसे। महाराज विभीषण, अधर्मी चाहे कोई भी पद चुने, परंतु धर्म युद्ध मात्र धर्म पथ पर ही चलकर लड़ा जा सकता है। क्या यही एक विकल्प शेष है महाराज लंकेश? निषिद्ध पूजा के परिणाम अत्यंत भीषण हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प सोचने का समय नहीं है मेरे पास।
शीघ्र अंत करना है मुझे इस युद्ध का। परंतु महाराज, ये कार्य तो आप अत्यंत सहजता के साथ कर सकते हैं। स्मरण कीजिए महाराज, देवी स्वरूपनखा के शब्द। परम पराक्रमी खर और दूषण और उनके 14 सहस्त्र रक्ष सैनिकों का संहार करते समय वो राम अपने स्थान पे अड़िग खड़ा रहा। युद्ध के पूर्व ही घोषणा कर दी थी उस राम ने। यदि युद्ध करते समय मुझे एक पग भी पीछे हटना पड़ा तो मैं अपनी पराजय स्वीकार कर लूंगा। हमारे रक्ष योद्धा उसे तनिक भी नहीं डिगा सकते। पीछे नहीं हटे उस राम के पांव। अर्थात उसको एक पग पीछे हटाने से ही वो पराजित हो जाएगा। इसलिए युद्ध स्थल में पूर्ण एकाग्रता के साथ मात्र इतना करने के लिए आपको तत्पर रहना होगा महाराज। कर दूषण अवश्य असफल हो गए, परंतु रावण उस वनवासी को पीछे हटने के लिए बाध्य कर देगा। कदापि असफल नहीं होगा रावण। महाराज, जब विजय प्राप्त करने का इतना सरल उपाय उपलब्ध है तो इतनी घोर निषिद्ध पूजा आखिर क्यों? नहीं, निषिद्ध पूजा से कदापि पीछे नहीं हटेगा रावण। अब किसी विपत्ति की छाया नहीं पढ़ने दूंगा अपने ऊपर। महाराज लंकेश, निषिद्ध पूजा ही आपके लिए सबसे अधिक विपत्ति का कारण बन सकती है। सहज नहीं है निषिद्ध पूजा माता की। माता तारा का अत्यंत हिंसक, उग्र और प्रचंड रूप है महाराज। माता के उसी रूप की पूजा करना चाहता हूं मैं, जिसे उनका आशीष प्राप्त हो जाए। वो भीषण से भीषण युद्ध में कभी पराजित नहीं होता। परंतु महाराज, ये भी तो सत्य है कि आज तक माता तारा की पूजा में कोई भी सफल नहीं हुआ। जिसने भी माता तारा के दर्शन प्राप्त भी किए वो उनके भीषण और उग्र रूप को देखकर काल के मुख में समा गए। मृत्यु की आशंका से भयभीत होना स्वभाव नहीं है मेरा, और प्राण खोने का कोई भय नहीं है मुझे। और यह भी ज्ञात है मुझे कि संकटों का सामना किए बिना कभी भी कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। रावण हूं मैं, अपनी भक्ति से महादेव और ब्रह्मदेव को भी प्रसन्न कर चुका हूं मैं, और आज माता शक्ति को भी प्रसन्न करके दिखाऊंगा मैं। ऐसी घोर निषेध अवैधिक पूजा करूंगा मैं कि मां शक्ति माता तारा देवी के रूप में मेरी रक्षा करने के लिए विवश हो जाएंगी। अति आत्मविश्वास और अहंकार व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है।